प्रेस वार्ता करी काय के लिए करी है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? अरे आज आपने प्रेस वार्ता काय के लिए करी? शॉर्ट में बोलना। मैंने प्रेस वार्ता करी है कि मेरे को लोकायुक्त की टीम के नाम नुकुल जैन ने फंसाया है, और क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, और मैंने उनको बोला कि तुम जहाँ बुलाओ कैसे ही बुलाओ, मैं जो है आपने जो टेक्शन से बात हुई है मेरी तो, और मेरे घर में भी आके बात करी उन्होंने। आप तो सवा लाख की इनकी बात हो गई थी, तो इन्होंने ये कहा कि यार 1.25 लाख में आप बात कर लेना, ये रसीद कितने की कटेगी, और कहा कि 10 लाख भी लगेंगे तो मैं देऊंगा। साबिर भाई तुमने मेरे पहले नल कनेक्शन की रसीद ला के दी सारी, मैं तो नुकुल भैया से पूछ लो ना। और आप ये बताओ आप इसमें किसको शामिल, कौन कौन शामिल है, किसको पैसे देते थे आप? इसमें देखो पैसे नहीं है। हाँ ये किसके पास जाना था पैसा जो 1.5 लाख लेके जा रहा है? 1.5 लाख की रसीद, 1.25 लाख की रसीद कटती, और भी ज्यादा लगते तो नकुल भैया उसमें देते। किस बात की रसीद कटनी? ये एमओएस का उल्लंघन का ये जो कराना है इन्होंने, रसीद की गणित है, रसीद कोई कटती नहीं। अरे आप अभी आपने प्रेस वार्ता में टेक्शन, अगर ये रसीद नहीं कटी तो मैं पार्षद रानी मसूदी से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी पार्षद है वो, कि इसको जमीन दोष कर दे, और नहीं तो सीएमओ के खिलाफ धरना दिया जाएगा, अध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया जाएगा। अभी आपने टेकचंद का क्या रोल है इसमें? टेकचंद जी का नाम लिया, उसमें टेकचंद का क्या रोल है इसमें? टेकचंद जी का ये है कि उन्होंने ये कहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गारंटी ली थी कि मैं रसीद काटूंगा, मैं रसीद कटवा के दूंगा तो पैसे लूंगा, तुम तो लिया ना, और जो होगा मतलब मैं करके दूंगा, तो मतलब इस काम को मानना। तो ये काम नगर पालिका में होना था ना, आप क्यों गए वहाँ लेने? एमओएस के उल्लंघन बहुत है शहर में, बहुत है, हर आदमी डर रहा है एमओएस के उल्लंघन से, लेकिन वो भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार कर करके नगर पालिका में अधिकारी को दे के वो बचे हुए हैं। और जिस दिन ये लोक आयुक्त की टीम जैसे कल आई, मैं उनको सलाम करता हूँ। अरे आप इनका सवाल ये है कि एमओएस का उल्लंघन करने पर आदमी पैसे दे के बच जा रहे हैं? नहीं, रसीद कटाने के बाद बचेगा वो, तो एमओएस उल्लंघन होता है, बगीचा है, शासन ने कोई ऐसा नियम बता दिए थे छोटे छोटे। मेरे पे मामला कर दिया उन्होंने, मेरे पे करा, मैं ही गया था ना पैसे लेने, और मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, वो जहाँ बुलाएंगे मैं तो वहाँ जाऊँगा। अरे आप सीधे से समझो ना कि रसीद कटनी थी तो उसको वहाँ लाना था ना, लाना था तो वो बोल रहा मेरी सुन नहीं रहे, पैसे अंडरस्टैंड मांग रहे, और तुम जो है पहले भी मेरा नल का काम तू करा के लाया भाई। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए उनके नगर पालिका के सारा कामों का ठेका आपको दिया गया, उन्होंने मेरे नहीं, वो क्या है बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने बोला, मैं फिर बार बार बोला उन्होंने मेरे को पहले भी नल लगवाने के लिए, और मैंने उन्हें रसीद ला के नहीं, कोई फर्जी नहीं, पत्रकारों का नाम आ रहा है, और जो है वो पत्रकारों का नाम ले रहा है। आपका नाम? नाम बताओ पत्रकार का नाम। पत्रकारों में भी किसका नाम आ रहा है? वो मेरे को उनका जावेद भाई का बता रहे थे। जावेद भाई कौन? अपने ये प्रेस वाले हैं ना, ये चैनल चलाते हैं। अच्छा कौन से जावेद भाई? अरे यार ये खड़े थे जावेद भाई, तुम्हारा नाम आ रहा है। लोकायुक्त की टीम का कहना है कि पार्षद की सहमति के बाद आप पैसे लेने गए थे वहाँ पे? वो नहीं, पार्षद लोकायुक्त कोर्ट में पेश कर रहे, पार्षद का तो होश ही नहीं, पार्षद को कितना क्या हो रहा है, तो फिर आप लोगों को दोनों को आरोपी क्यों बना रही है? नहीं, लोकायुक्त की टीम है ना। अच्छा एक बात बताओ के बाद नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देंगे? मैं इस्तीफा दूंगा। रानी साबिर, रानी मसूदी का कोई रोल नहीं है, रानी मसूदी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर लोकायुक्त ने आरोपी क्यों बनाया? आरोपी बनाया तो लोकायुक्त का जो वो पार्षद भी शामिल बताया। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, अगर वो शामिल, उन्होंने नकुल भाई से बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए हैं, और ये जो आप बता रहे हो ना। अच्छा प्लानिंग किसने की, केवल आप तो ये बता दो, आप नकुल जी जैन क्या कारण क्या? अब मैंने, मेरी बात सुनो, आपको क्यों फंसाया उन्होंने, क्या कारण? मेरे को इसलिए कि देखो लोग उनको परेशान कर रहे थे, तो बोले कि ये पार्षद का पति है और मजदूर आदमी है, पहले भी मेरा काम करके ला, तो ये करके ला देगा। चलिए आपका नाम? मेरा नाम हाजी साबिर मसूदी, पूर्व पार्षद।